हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं, एमसीक्यू लेवल सीरीज़ बना रहे हैं हम फिज़िक्स में। तो इससे पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, और आज के वीडियो में हम 10 क्वेश्चन और लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन है, माध्यम की प्रत्यास्थता का गुण किस प्रकार की तरंगों के संचरण के लिए आवश्यक होता है। कहने का मतलब है कि ऑप्शन है हमारे पास अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, द्रव्य तरंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि माध्यम में जो प्रत्यास्थता होती है, प्रत्यास्थता के कारण ही जो है वो माध्यम के कण जो हैं वो अपनी स्थिति से एक ओर जाते हैं, फिर वापस आने की टेंडेंसी होती है, फिर दूसरी तरफ जाते हैं, फिर वापस आने की टेंडेंसी होती है। तो ऐसा जो है वो ध्यान रखिए, ऐसा जो है वो अनुप्रस्थ तरंगों के लिए होता है। तो इस वजह से जो है प्रत्यास्थता का गुण जो है माध्यम में, वो अनुप्रस्थ तरंगों के चलने के लिए आवश्यक होता है। मतलब अगर प्रत्यास्थता नहीं भी है तो भी अनुदैर्ध्य तरंगे तो चल सकती हैं, पर अनुप्रस्थ तरंगे फिर भी नहीं चलेंगी। तो इस वजह से हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का दब, घनत्व व दबाव सामान्य अवस्था की तुलना में कितना होता है। उनके मुकाबले कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संपीड़न जो है वो इस तरह से होते हैं, और विरलन जो है वो आपके इनमें ज़्यादा ही विस्थापन होता है। और सामान्य स्थिति अगर देखें तो सामान्य स्थिति ये है आपकी, ये सामान्य स्थिति में, ये संपीड़न में, और ये आपका विरलन में है। तो यहाँ पर पूछ रहा है विरलन के स्थानों पर जो दबाव है और घनत्व है वो सामान्य की तुलना में क्या होता है। तो देखिए, जब पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है घनत्व जो है वो और दबाव जो है वो कम हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है वो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, कम, ये वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही माना जाएगा। तो हम इसे टिक कर देंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए छोटा सा एक न्यूमेरिकल है। एक तरंग की चाल 360 मीटर पर सेकंड है तथा आवृत्ति 500 हर्ट्ज है। दो निकटवर्ती कणों के बीच कलांतर 60 डिग्री है, तो उनके बीच पथांतर होगा ए पार्ट 0.72 मीटर, बी पार्ट 12 सेंटीमीटर, सी पार्ट 120 सेंटीमीटर एंड डी पार्ट 0.72 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसमें सबसे पहले दिया क्या है, एक तो तरंग की चाल दी है, तो हम वी इज इक्वल टू 360 मीटर पर सेकेंड कर लेते हैं। दूसरा, एक आवृत्ति दी है, यानी कि n इज इक्वल टू 500 हर्ट्ज़ हो गया। दो निकटवर्ती कणों के बीच कलांतर, यानी कि डेल्टा फाई दे दिया हमारे पास 60 डिग्री, इसको पाई में रिप्रेजेंट करना चाहें तो पाई बाई 3 हो जाएगा। और इनके बीच पथांतर कितना होगा, यानी कि डेल्टा एक्स हमारे पास जो है वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो देखिए, डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स और एन और वी में कोई संबंध ऐसे डायरेक्ट तो दिख नहीं रहा है। एक फॉर्मूला हमें पता है जो कि होता है हमारे पास कलांतर इज इक्वल टू 2π लैम्डा इंटू पथांतर, ये वाला फॉर्मूला होता है, यानी कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π λ इंटू पथांतर। तो देखिए, पथांतर हमें चाहिए तो ये हमारा निकल आएगा, कलांतर हमें दे रखा है यहाँ पुट कर देंगे, 2π और लैम्डा नहीं है। तो लैम्डा अगर नहीं है तो उसके लिए इन्होंने क्या दिया है, वी और एन दिया है। तो सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं वी इज इक्वल टू एन लैम्डा, और इससे लैम्डा निकाल लेते हैं। तो देखिए, इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे तो V की वैल्यू आप कितनी पुट कर दें, V जो है वो आपका 360 है, N 500 है, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 360 अपॉन 500, यानी कि 0 कट गया, और ये आपका 2 से भी काट दीजिए तो 18/25, इतना मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी आ गई। अब आप यूज़ कर लेंगे नाउ यूजिंग कलांतर इज इक्वल टू 2π λ इंटू पथांतर, इसमें इसको पाई बाई 3 रख दीजिए, 2π λ की वैल्यू आप 18/25 डाल दीजिए इनटू डेल्टा एक्स, इसमें से देखिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 3/6 जा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 25/6 इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से आप डेल्टा एक्स निकाल लें तो 6/50 हो जाएगा मीटर। ऑप्शन देखिए आपके पास सेंटीमीटर में भी दिए हैं, तो ज़रा चेक कर लीजिए, 6 × 100/50 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपका 52/100 हो जाएगा, तो यानी कि 6×2 = 12 सेंटीमीटर। आप देखें यहाँ पे आपका 12 सेंटीमीटर, ये बी ऑप्शन में 12 सेंटीमीटर दिया है, तो इसलिए हमारा जो आंसर बी है वो आप करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी एमसीक्यूज़ में आते हैं, तो आपको इनकी परफेक्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि इस तरह के क्वेश्चंस गलत ना होने पाए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। किसी प्रगामी तरंग की विस्थापन समीकरण y इज इक्वल टू 3 sin ब्रैकेट में 2000t - 5x है,
जहाँ दूरियाँ मीटर में तथा समय सेकंड में हैं, तो तरंग की चाल होगी 200 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड, 600 मीटर पर सेकंड और 800 मीटर पर सेकंड। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 3 साइन 2000 t माइनस 5x, इसमें आप देखिए थोड़ा सा 2 पाई कॉमन में नहीं है, तो आप वो कॉमन एडजस्ट करिए साइन 2 पाई, तो अंदर भी देखिए आपका 2 पाई से जो है वो हर टर्म में डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसकी तुलना कर देंगे, तुलना किससे कर देंगे, तो ये सब मैं यहाँ तो समझाने के लिए डिटेल में लिख रहा हूँ, आप जो है पहली ही लाइन ये लिखें रफ पे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई और ये आपका t बाई कैपिटल t माइनस x बाई लैम्डा, ये है चीज़। तो यहाँ से देखिए आपका 1 अपॉन t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 अपॉन 2 पाई, ये आपका चाहे आवर्तकाल के रूप में करिए तो रिवर्स करके कर लेंगे, अदरवाइज़ ये आवृत्ति दी हुई है। उसके बाद 1 अपॉन लैम्डा जो है आपका यहाँ से देखिए तो 5 अपॉन 2 पाई है, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 5 हो जाएगा। तो आपसे तरंग की चाल पूछ रहा है, तो चाल निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, v इज इक्वल टू n लैम्डा चाहिए। n की वैल्यू देखिए एज इट इज़ पूरी यहाँ से पुट हो जाएगी 2000 अपॉन 2 पाई एंड लैम्डा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे टू 2 पाई अपॉन 5, 2 पाई 2 पाई कैंसिल, 5 4 जा 0, यानी कि ये आपका जो है वो 0 0, यानी कि 400 मीटर पर सेकंड ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में 400 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, एक ज्यावक्रीय तरंग में किसी निश्चित बिंदु को अधिकतम विस्थापन से शून्य विस्थापन तक गति करने में 0.170 सेकंड का समय लगता है, तो कह रहे हैं कि तरंग की आवृत्ति होगी, फर्स्ट पार्ट है 1.47 हर्ट्स, बी पार्ट है 0.36 हर्ट्स, सी पार्ट है 0.73 हर्ट्स एंड डी पार्ट है 2.94 हर्ट्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डायग्राम से भी समझना पड़ेगा। ज्यावक्रीय तरंग का मतलब ये हुआ कि वेव जो है हमारी साइन वेव है, इस तरह से ये है। अब इसमें कह रहे हैं किसी निश्चित बिंदु को अधिकतम विस्थापन से शून्य विस्थापन तक गति करने में, मतलब कहने का ये है शून्य अधिकतम विस्थापन ये हुआ, शून्य विस्थापन ये हुआ, तो ये इसके मतलब, वैसे तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगा लेकिन हम ऐसे भी मान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने का टाइम और यहाँ से ये टाइम दोनों बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अधिकतम विस्थापन से और शून्य विस्थापन तक गति करने में इतना 0.170 सेकंड का समय लगता है, पार्टिकल यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ आया, इतना टाइम आपको 0.170 दिया है। तो इससे आप आवर्तकाल निकाल सकते हैं, आप जानते हैं आवर्तकाल कितना होगा, यहाँ से यहाँ आएगा फिर नीचे जाएगा फिर लौटेगा फिर ऊपर जाएगा। कहने का मतलब है चार पार्ट हैं मोशन के, उनमें से एक पार्ट का टाइम दिया है, तो इसकी हेल्प से अगर हम आवर्तकाल निकालें तो t इज इक्वल टू होगा जा करके, ये हमें चौथाई हिस्सा दिया हुआ है, चार से मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि 0.680 ये सेकंड हमारा जो है वो आवर्तकाल होगा। ठीक है ना, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, ये डेफिनेशन अगर क्लियर है थ्योरी वीडियोस देख लीजिएगा हमारे, और उनमें ये मोशन वेव किस तरह से बनती है और एक वेव का जो टाइम होता है और एक पार्टिकल का जो SHM कर रहा है उसका जो टाइमिंग होती है वो मैच करती हैं, वो सेम होती हैं, उस कंसेप्ट का यूज़ करके यहाँ पर आवर्तकाल का चौथाई दिया हुआ है, तो चार गुना कर देंगे तो ये हमें आवर्तकाल मिल जाएगा। बस आवर्तकाल मिल गया तो आवृत्ति कैसे मिलेगी, तो 1/t n इक्वल टू 1/t कर देंगे, यानी कि 1/0.680 जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1.47 हर्ट्ज़ आता है, और जब आप ऑप्शन यहाँ से मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको सही नज़र आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक था, जिसको कॉन्सेप्ट्स की क्लियर नॉलेज होगी उसके लिए क्वेश्चन आसान है, अदरवाइज़ फिर ये इसमें मुश्किल आएगी आपको। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, और क्वेश्चन हमारे पास समतल प्रगामी तरंग y इज इक्वल टू 2 साइन 12t माइनस 6 लैम्डा में कला का मान है। देखिए इसमें कला क्या होती है, इसके लिए आपको कला की डेफिनेशन चाहिए होगी। कला जो है वो वैसे तो तरंग की या किसी कण की जो है वो स्थिति और गति की दिशा बताती है, लेकिन ये तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ये होती है कि जो इक्वेशन है उसमें जो साइन का एंगल है, ठीक है ना, ज्या का कोण जो होता है वो आपका कला होता है। तो आप देखें यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास साइन 12t माइनस 6 पाई है, 12t माइनस 6 पाई 2 और इनमें से कोई नहीं, तो ये आपको कंफ्यूज़ करने के लिए दिया है कि शायद पूरा ही ये साइन लेके होता हो कला या फिर केवल एंगल। तो आप डेफिनेशन से देखिए, साइन का एंगल यानी कि केवल इतनी चीज़ जो है वो कला बनेगी जा करके। ये 2 जो है वो इसलिए कंफ्यूज़ करने के लिए दिया है कि कहीं आप आयाम की वैल्यू यहाँ से 2 उठा के ना सोच लो और इनमें से कोई नहीं।
तो इसलिए आप चारों ऑप्शन को मिला कर देखेंगे तो साइन का जो कोण है वो आपको बी पार्ट में नज़र आएगा। इस वजह से हमारा बी पार्ट जो है यहाँ पे सही बनता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन है, दो निकटस्थ श्रृंग व गर्त के बीच की दूरी होती है लैम्डा, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई फोर और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहले तो ये चेक करिए कि दो निकटस्थ श्रृंग और गर्त होंगे कहाँ। तो ये देखिए श्रृंग हो गया और निकटस्थ गर्त ये हो गया आपका। अब आप देखिए अगर दो क्रमागत श्रृंग होते तो लैम्डा बाई दूरी होती है, ये डेफिनेशन है। हमसे पूछा जा रहा है कि क्रमागत श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी, तो जाहिर सी बात है ये जिसकी जस्ट ऑफ हो जाएगी यानी कि लैम्डा बाई टू हो जाएगी। अब आप ऑप्शन चेक करिए तो आपको बी ऑप्शन में लैम्डा बाई टू नज़र आ रहा है, इसका मतलब बी पार्ट हमारा सही है। तो देखिए अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आप केवल क्वेश्चंस रटने के बैठ जाएंगे तो फिर ऐसे तो हज़ारों क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, तरंग वेग v, तरंग आवृत्ति n तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा में क्या संबंध है। v इक्वल टू n बाई लैम्डा, v इज इक्वल टू n लैम्डा, v इज इक्वल टू n इक्वल टू v लैम्डा, v इज इक्वल टू n लैम्डा और लैम्डा इज इक्वल टू n v। तो देखिए अगर किसी ने नहीं पढ़ा है ढंग से, नहीं याद है उसको, तो कई इसमें कन्फ्यूज हो सकता है इन तीनों में। ये तो खैर नहीं है, ये इनमें कन्फ्यूज हो सकता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो v इज इक्वल टू n लैम्डा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, या v इज इक्वल टू कभी कभी न्यू लैम्डा भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, और क्वेश्चन है किसी तरंग के दृढ़ तल से परावर्तन होने पर आपाती तरंग के सापेक्ष कितना कलांतर उत्पन्न होता है। ऑप्शन है पाई, पाई बाई टू, जीरो, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये कंसेप्ट बताया हमने थ्योरी क्लासेस में आपको कि अगर हमारे पास तरंग चलते हुए जा रही है और किसी दृढ़ तल से परावर्तित होती है यानी कि दीवार पे कील बांध रखी और यहाँ से अगर वो रिफ्लेक्ट होती है तो पाई का कलांतर आ जाता है। तो इस कंसेप्ट के बेस पे आप अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे आपको पाई ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये ए पार्ट इसका जो है वो सही हो जाएगा। आइए चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए समतल प्रगामी तरंग समीकरण y इज इक्वल टू ए साइन टू पाई टी वाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लैम्डा प्लस फाई में फाई है, ये क्या चीज़ है। तो आपको हमने थ्योरी क्लासेस में समझाया भी है कि ये जो फाई है ये प्रारंभिक कला होती है, कि मतलब कण ने माध्य स्थिति से चलना नहीं शुरू किया, कहीं और से चलना शुरू किया है तो उस केस में फाई की वैल्यू बन जाती है, और इसको हम नाम देते हैं प्रारंभिक कला का, या फिर इंग्लिश में इसका एक स्पेशल नाम होता है इपोक। ध्यान रखिएगा वर्ड को, और इसलिए आप इसमें से अगर देखें ऑप्शंस तो हमारे पास जो है प्रारंभिक कला यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है। तो इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं, और इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर मैंने अपनी पूरी तरफ से कोशिश करी है कि पूरी तरह से समझ में आ जाए आपको, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकें। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों में भी शेयर करें, इसको लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही चैनल पे अगर नए हैं आप तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से रिलीज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। इसके अलावा हमने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हैं, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड होकर के लाइव क्लासेस की टाइमिंग वगैरह और लिंक्स वगैरह ये सब पा सकते हैं। और साथ ही साथ हम टूच टेस्ट भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो वैसे तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं अपना नंबर बता देता हूँ 7376292424। इस नंबर पे आप मैसेज करके अपना नेम, अपना ब्रांच, सेमेस्टर कौन सा है आपका और कॉलेज का नाम, ये चार चीज़ें इसमें भेज दें आप इसमें, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे, तो जिससे और भी स्टडी मटेरियल आपको वहाँ से मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो को फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।